नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने एक्चुअल मीन मेथड पढ़ा था। नेक्स्ट मेथड है हमारा कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का, अज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड हम इसको बोलते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन अर्थमेटिक मीन इज नॉट इन द होल नंबर, जब हमारा अर्थमेटिक मीन एग्जैक्ट नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तब हम अज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन फॉर बोथ द सीरीज, दोनों सीरीज के लिए एक्स एंड वाई के लिए अज्यूम्ड मीन से हम डेविएशन लेते हैं। कोरिलेशन कोफिशेंट इस मेथड से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये स्टेप हमें फॉलो करने होंगे, फॉलोइंग स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। एनी वैल्यू ऑफ एक्स वाई टेकन एज देयर अज्यूम्ड मीन, किसी भी वैल्यू को एक्स और वाई की अज्यूम्ड मीन ले लीजिए, फिर डेविएशन इंडिविजुअल वैल्यू का दोनों सीरीज का एक्स और वाई का अज्यूम्ड मीन से वर्कआउट कीजिए, उसको निकालिए। डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज x माइनस ए से हम डिनोट करते हैं, ए हमारा अज्यूम मीन है, तो वो हमारा डी एक्स से डिनोट कीजिए, और y सीरीज का y माइनस ए उसको डी वाई से डिनोट कीजिए। अब ये जो डेविएशन आ जाएंगी, इन डेविएशन को सम अप कीजिए और हमारा समेशन डी एक्स और डी वाई आ जाएगा। जब हम एक्चुअल मीन से लेते तो ये ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर निकालना होगा, जो डेविएशन हमने निकाली थी उनका स्क्वायर निकालना होगा दोनों सीरीज़ का, दैट इज़ डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर हमें निकालना होगा, फिर इनको हमें सम अप करना होगा, तो हमें प्राप्त होगा समेशन डी एक्स स्क्वायर समेशन डी वाई स्क्वायर दोनों सीरीज़ का। फिर हमें जो हमारी डी एक्स की वैल्यू है उसको कोरस्पोंडिंग वैल्यू डी वाई से मल्टीप्लाई करना होगा, और हम प्रोडक्ट निकालेंगे डी एक्स डी वाई, फिर हम उसको सम अप करेंगे तो समेशन डी एक्स डी वाई आ जाएगा। फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई समेशन डी एक्स डी वाई की, समेशन डी एक्स की, समेशन डी वाई की, समेशन डी एक्स स्क्वायर की, समेशन डी वाई स्क्वायर की। फिर हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा एक्चुअल मीन वाले की तुलना में, क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन होल अंडर द रूट। सिमिलरली समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट। तो अब हम क्या देखते हैं, जो हमारा एक्चुअल मीन वाला फार्मूला था उसमें क्या था, ये वाली वैल्यू नहीं थी हमारी, ये वाली नहीं थी और ये वाली नहीं थी, डी एक्स समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन और समेशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, इसी प्रकार समेशन डी वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ये वैल्यू को हमने माइनस नहीं किया था क्योंकि डी एक्स और डी वाई की समेशन डी एक्स और डी वाई की वैल्यू जीरो आती थी तो ये जीरो हो जाती थी। इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या डिफरेंस है फार्मूले में, तो इस फार्मूले से पुट करके आप अज्यूम मीन से कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से हम देखते हैं कैसे करेंगे। एग्जाम्पल है कैलकुलेट द कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा गिवन है, x की वैल्यू दी है 14, 11, 17, 19, 23, 24, 22. y की वैल्यू है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. हमें कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है इस डाटा से, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 14, 11, 17, 19, 23, 24, 22. इनका हम टोटल कर लेंगे, समेशन एक्स आ जाएगा हमारा 130. सिमिलरली वाई का 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, इनका टोटल कर लेंगे, समेशन वाई आ जाएगा 99. फिर हम एक्स बार निकालेंगे, समेशन एक्स डिवाइड बाई एन 130 डिवाइड बाई 7 18.57. फिर y बार निकालेंगे, समेशन y डिवाइड बाई n 99 डिवाइड बाई 7 14.14.
इन बोथ द सीरीज एक्चुअल मीन जो है हमारा वो फ्रैक्शन में है, इसलिए हम डेविएशन अज्यूम्ड मीन से लेंगे और एक्स वाई का, एक्स का अज्यूम्ड मीन लिया है हमने 18 और वाई का अज्यूम्ड मीन लिया है हमने 14। तो देखते हैं कैसे फिर हम इसको आगे करेंगे। एक्स का अज्यूम्ड मीन लिया है हमने 18, तो एक्स की वैल्यूज को लिखा, फिर उसका डेविएशन लिया, 14 माइनस 18 माइनस 4 11 माइनस 18 माइनस 7 17 माइनस 18 माइनस 1 19 माइनस 18 1 23 माइनस 18 5 24 माइनस 18 6 22 माइनस 18 4। समेशन डी एक्स निकाल लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, माइनस 4 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4, तो हमारा समेशन डी एक्स आ जाएगा 1। फिर हम डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे, डी एक्स का स्क्वेयर करेंगे, माइनस 4 इंटू माइनस 4 16 माइनस 7 स्क्वेयर 49 माइनस 1 स्क्वेयर 1 1 स्क्वेयर 1 5 स्क्वेयर 25 6 स्क्वेयर 36 4 स्क्वेयर 16। अब हम इनका टोटल करेंगे, समेशन डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, 16 प्लस 49 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 16, तो हमारा समेशन डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 144। फिर हम वाई की वैल्यू लिखी, 11 12 13 14 15 16 18, ए लिया है हमने वाई सीरीज का 14, तो डेविएशन लेंगे, डी वाई हो जाएगा वाई माइनस ए, 11 माइनस 14 माइनस 3 12 माइनस 14 माइनस 2 13 माइनस 14 माइनस 1 14 माइनस 14 0 15 माइनस 14 1 16 माइनस 14 2 18 माइनस 14 4। तो फिर हम डी वाई का टोटल करेंगे, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 4, तो हमारा समेशन डी वाई आ जाएगा 1। फिर हम डी एक्स डी वाई स्क्वेयर निकालेंगे, डी वाई का स्क्वेयर कर देंगे, माइनस 3 स्क्वेयर 9 माइनस 2 स्क्वेयर 4 माइनस 1 स्क्वेयर 1 0 स्क्वेयर 0 1 स्क्वेयर 1 2 स्क्वेयर 4 4 स्क्वेयर 16, तो हमारा डी वाई स्क्वेयर आ जाएगा, इनका टोटल करेंगे, 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16, तो 35 आ जाएगा। फिर हमें डी एक्स डी वाई निकालना है, ये हमारा डी एक्स है, ये हमारा डी वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 इंटू माइनस 3 12 माइनस 7 इंटू माइनस 2 14 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 1 इंटू 0 0 5 इंटू 1 5 6 इंटू 2 12 4 इंटू 4 16। फिर हम इन सब का टोटल कर लेंगे, 12 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 16, तो हमारा समेशन डी एक्स डी वाई आ जाएगा 16। अब हमारे पास समेशन डी एक्स डी वाई आ गया है, समेशन डी वाई स्क्वेयर आ गया है, समेशन डी वाई आ गया है, समेशन डी एक्स स्क्वेयर आ गया है, समेशन डी एक्स आ गया है, हम वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आर की वैल्यू आ जाएगी। हमारा फार्मूला है आर इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट समेशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट। वैल्यू पुट करेंगे, समेशन डी एक्स डी वाई है 60, समेशन डी एक्स है 1, समेशन डी वाई है 1 डिवाइड बाई 7, समेशन डी एक्स स्क्वेयर है 144, समेशन डी एक्स है 1, एन है 7, समेशन डी वाई स्क्वेयर है 35, समेशन डी वाई है 1 और एन है 7। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.8453। इस प्रकार से हम अज्यूम्ड मीन से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं।